नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए चिकन का पकोड़ा। आप लोगों ने बहुत सारे चिकन पकोड़ा खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे थोड़े डिफरेंट तरीके से। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिकन पकोड़ा, आप लोगों ने बहुत सारे चिकन पकोड़ा खाए होंगे, लेकिन आज हम थोड़े बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके से। आइए दोस्तों, इसको खाने में बहुत टेस्टी है। मैं इसके करके खाई हूँ और लोगों को खिलाई भी हूँ, बहुत अच्छा है। आइए दोस्तों बनाते हैं। आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 1/2 kg चिकन लिए हैं, 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon नमक, हम 4 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रहे हैं, 2 tablespoon टमाटो और चिली पेस्ट ले रहे हैं, 4 tablespoon मस्टर्ड पेस्ट ले रहे हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 tablespoon मस्टर्ड ऑयल लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 tablespoon कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 tablespoon बेसन ले रहे हैं। अब इसमें 1 अंडे को डालते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मस्टर्ड चिकन पकोड़ा का बैटर, इसमें 1 tablespoon लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हफ्पाना बाहर में रखेंगे, फिर पकौड़ा बनाएंगे। आइए देखिए, हमारा थिक बन गया है। देखिए, मस्टर्ड चिकन पकौड़ा बैटर अब रेडी है। आप तेल गरम करते हैं। तेल गरम हो गया है, आप फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से बबल हो रहा है, इसका मतलब तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ है। देखिए, हमारा एक साइड का चिकन पकौड़ा बन गया है। अब इसको पलटेंगे। पलट दिए, देखिए ब्राउन ब्राउन हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छी तरह से हुआ है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, हमारा मस्टर्ड चिकन पकौड़ा अब रेडी है। आप इसी तरह बनाइए और टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी है। आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, थोड़ा प्याज डाल के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। आप इसी तरह बनाइए और टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नया नया रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।